दुनिया भर के लोगों और धर्मों में उल्लू को लेकर काफी कहानियां और भ्रांतियां हैं। कहीं अशुभ तो कहीं धन का प्रतीक माना जाता है। यूनानी कहानियों में उल्लू को कला और कौशल की देवी एथेना से माना जाता है। जापान में उल्लू को भगवान का संदेश वाहक और हिंदू मान्यताओं के अनुसार धन की देवी लक्ष्मी का वाहन माना गया है, और यही मान्यता उल्लू की जान की दुश्मन बन गई है। सभी धर्मों में जादू टोना या तांत्रिक क्रियाओं की बात कही गई है, जिसे लेकर सभी धर्मों के लोग मान्यताओं पर विश्वास करते हैं और उन तांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन अपने फायदे के लिए करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ये धन की प्रतीक देवी लक्ष्मी का वाहन है। दीपावली नजदीक है और उल्लू की तस्करी बढ़ गई है। कई जगहों पर लोगों का मानना है कि दीपावली के दिन उल्लू की बलि देने से धन की वर्षा होती है। दीपावली नजदीक होने के कारण तस्कर उल्लू पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं, और अंधविश्वास के चलते शिकारी कर्मकांडी लोगों को बहुत ही महंगे दामों पर बेचते हैं, और लोग इस लुप्तप्राय जीव की हत्या इस आस में कर देते हैं कि हो ना हो लक्ष्मी जी की कृपा होगी और हमारे घर या हमारे पास धन की बारिश होगी। दुनिया भर में उल्लू की 216 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में उल्लू की 32 प्रजातियां रहती हैं। जंगली इलाकों में जैसे कि उत्तराखंड में उल्लुओं को बचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और शिकारियों की किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए तैयार बैठी है।